साथियों, इस वीडियो का विषय है यज्ञ। यज्ञ क्या है? व्यष्टि द्वारा समष्टि के लिए आहुत ही यज्ञ है। यानी कि हम सर्वजन हिताय जो कुछ भी करते हैं, उससे ही हमारे संसार का विकास होता है और वही यज्ञ है, क्योंकि हम जो उपभोग करते हैं वो हमसे पहले आई हुई पीढ़ी द्वारा उसका कंट्रीब्यूशन उसमें दिया गया है, उनकी ही देन है वो। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी कुछ इसमें जोड़ें और कुछ आहुति दे, कुछ अर्पण करें। अतः यज्ञ की भावना मानव की रचना के साथ ही जुड़ी हुई है। देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने यज्ञ के बारे में क्या कहा। जब भगवान ने इंसान को बनाया, पहला इंसान बनाया, तब उसने या जो भी बना, जब भी बनाए गए इंसान, तो उन्होंने प्रजापति ने क्या कहा? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मे सुवोधिष्ठ कामधु। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, जब भी मनुष्य को बनाया गया उसके साथ उन्होंने यज्ञ को बनाया। यज्ञ का मतलब है कि कंट्रीब्यूटिंग फॉर दी अदर्स। इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द अदर्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग जो है वो जब दूसरे को इंक्लूड करके चलता है, उसको चलना ही पड़ेगा, किसी और को नहीं, उसको तो तभी उस राइज कर पाएगा, तो तभी उसके जो है राइजिंग ट्रेंड रहती है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है तो सह यज्ञ, यज्ञ के साथ में प्रजा सृष्टवा, जब प्रजा को बनाया, ह्यूमन बीइंग्स बनाए, तो उसके साथ साथ उन्होंने यज्ञ भी बनाया। और पुरोवाच प्रजापति, तब प्रजापति ब्रह्मा ने ये बात कही शुरू में ही। क्या कही? अनेन प्रसविश्वद्ध मे सुवोत्तिष्ठ कामधुक। इसके द्वारा आप एक दूसरे की हेल्प करके, इसके द्वारा आप जो है कामधुक तो अपनी सब कामनाएं पूरी कर सकते हो। वट एवर यू कैन डू इन द यूनिवर्स, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ यज्ञ। रच कर यज्ञ मनुज के ही संग देते ब्रह्मा ज्ञान सर्वहिताय व्यक्तिगत आहुति दैवी यज्ञ विधान। रच कर यज्ञ मनुज के ही संग देते ब्रह्मा ज्ञान सर्वहिताय व्यक्तिगत आहुति दैवी यज्ञ विधान। यही यज्ञ मानव समाज के विकास हित सोपान। यही यज्ञ मानव समाज के विकास हित सोपान। करे पूर्ण इच्छित अभिलाषा हो जग में निर्माण। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जितना निर्माण काम होता है, इसी की वजह से होता है कि आप ये नहीं सोचते हो कि हमने पेड़ लगाए तो फल हम खाएंगे या दूसरा खाएगा, है ना। ये चीज है हमेशा, ये पहले उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग को रखे कि आपको यज्ञ पे ध्यान देना। देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यथ। आप में देव की भावना होगी, देने की देव की भावना होगी, ते देवा फल, तो वो भावना तुमको भी देगी, देव वो तुमको भी देंगे। और क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूट करेगा उसका तुम्हें प्रसाद मिलेगा ही। तो देवान भाव यतानेन, तुम इससे देव का भाव रखोगे, और देवा भावयन्तु वा, देव तुम्हें देंगे उसी ये पर। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को के भाव को समझते हुए देते हुए। श्रेया परमवाप्स्यथ,
कल्याण को प्राप्त हो गए, समझे। भाव लोक हित में देने का देव भाव ही जान, भाव लोक हित में देने का देव भाव ही जान, देव भाव की उन्नत से हो देवों का सम्मान, प्रकृति रहे संतुलित देव भाव की यह पहचान। सबसे आपने बैलेंस रखना है प्रकृति का, इकोसिस्टम आपका पूरा बैलेंस रखना है। अगर इकोसिस्टम गड़बड़ा दिया तो नुकसान होगा। इकोसिस्टम प्रकृति रहे संतुलित देव भाव की यह पहचान, एक दूसरे की उन्नत से हो सबका कल्याण, है ना। तो ये यज्ञ की जो डेफिनेशन है वो केवल वो हवन करना नहीं है, यज्ञ की डेफिनेशन ये है कि आप एक दूसरे को भाव से जो ग्रुप में सबको एक दूसरे को जो करते जाओ, यही यज्ञ है और यही जो है ब्रह्मा ने रचा है हमारे लिए। और सब इष्टान भोगान यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, पैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेने वशा। इष्टान भोगान वो देवा, वो देव है जिसे आप देव कहते हो, एक पर्सनिफिकेशन किया है देव को कि देवता हैं, तो देव हैं वो, प्रकृति की हर चीज़ों को पर्सनिफाई किया है, इस देने को भी इमोशन, इस इमोशन को भी पर्सनिफाई किया है देव, ये देव हैं कि उनके देवनी की भावना है। इष्टान भोगानी वो देव जो हैं तुम्हारे इष्ट भोगों को तुम्हें देंगे। अगर तुम देव भाव रखोगे, देव को इस तरह से पूजोगे, यज्ञ से पूजोगे देव को, तो देव तुम्हारे इष्ट भाव को दे। दास चंते यज्ञ भाव, जब तुम यज्ञ की भावना होगी तुम देव को पूजोगे, तो वो यज्ञ भावना मतलब देव को पूज रहा, तो देव तुम्हें इष्ट भोगों को देंगे, जो तुम्हें चाहिए भोगों को देंगे। पैर दत्ता दत्तान प्रदायोभ्यो, कि जो तुम्हें कुछ मिल रहा है वो देव से मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति जो देव तुमको दे रही है वो प्रकृति हमने देवता माना है। हर प्रकृति के हर चीज़, वायु देव, वरुण देव, सब सब कुछ देवता से मिल रहा है। हर चीज़ को मैंने प्रकृति के हर तत्व को देव माना है, समझे। तो जब देवताओं से मिल रहा है तो जो आप उनको, उनका दिया हुआ अगर उनको अर्पण आप नहीं करते हो तो आप चोर हो। हाँ, आप तेरा तुझको अर्पण, अगर आप मतलब उनसे ही सब कुछ पाते हो और उसके बाद तुम्हें देने की भावना नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम चोर हो। कि तुम्हें मतलब खाली उन्हीं को नहीं देना, किसी को भी दे सकते हो। किसी को मतलब, किसी का मतलब किसी का हुआ, सबको देने की प्रवृत्ति, देव का मतलब देने की प्रवृत्ति। वो इसमें जो है देव का मतलब, देव को हमने पर्सनिफाई किया है, देव देवताओं को, जैसे हम प्रकृति को पर्सनिफाई कर रहे हैं, हाँ देव को भी पर्सनिफाई किया गया है प्रकृति देने को। तो वही इच्छित भोग तुम्हें देंगे सब देव यहाँ, इच्छित भोग तुम्हें देंगे सब देव वहाँ, यज्ञ भाव से प्रेरित कर्म आचरित जहाँ, इच्छित भोग तुम्हें देंगे सब देव यहाँ, यज्ञ भाव से प्रेरित कर्म आचरे जहाँ, स्वयं ही केवल देव प्रदत्त भोगते भोग, जो देव ने दिया वो स्वयं केवल मत भोगो, स्वयं ही केवल देव प्रदत्त भोगते भोग, जो वह चोर स्वभाव यही कहेंगे लोग। अगर जो भी देवताओं ने तुम्हें दिया है, जो कुछ ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसको तुम केवल खुद ही भोगना चाहते हो, तो उसे लोग इच्छित भोग तुम्हें देंगे सब देव यहाँ, यज्ञ भाव से प्रेरित कर्माचरित जहाँ, स्वयं ही केवल देव प्रदत्त भोगते भोग, जो वह चोर स्वभाव यही कहेंगे लोग। मतलब हम जो अर्न कर रहे हैं वो भी ये मत सोचते कि हम अर्न कर रहे हैं, तो देवता ही दे रहे हैं। हाँ, वो तो सबका कंट्रीब्यूशन है, हम कमाया, हमने कमाया। हाँ ना, हाँ ये भावना। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, भुंजते तेप तो घम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। अब देखिए, यज्ञ शिष्टा शिना संतो, जो अशिन मतलब आपका खाना है वो कैसा होना चाहिए, यज्ञ शिष्टा, यज्ञ से बचा हुआ, मतलब जो भी आप इंजॉय कर रहे हो वो
दूसरे का कंट्रीब्यूशन अब इंजॉय कर रहे हो तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हें भी कंट्रीब्यूट करना है उसमें यज्ञ में, उसमें पार्ट बनना है, क्योंकि उसी का कर रहे हो, यज्ञ उसी का बचा हुआ आप खाते हो। जैसे आप कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करते हो तो कंपनी कॉर्पोरेट पे वर्ल्ड में हो आप कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करते हो तो अब कंपनी आपको उसके बदले में कुछ देती है, लेकिन आप उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता आप आपके कंट्रीब्यूशन से कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ या तुम्हें तुमको मेजरमेंट उसको करके तुम्हें रिटर्न नहीं मिलता है, तो ये प्रसाद की तरह मिलता है सैलरी। समझे यज्ञ शिष्टा सना संतो, तो यज्ञ से बचा हुआ अन्न ही प्रसाद है और वो जो प्रसाद जो तुम्हें कंपनी देती है कॉर्पोरेट देती है उसको तुम करते हो। मुच्यते सर्व किल विषयी, वही तुम्हें सारे पापों से सारी प्रॉब्लम से दूर करता है तो जो प्रसाद खा ले, समझ गए? मतलब इसका मतलब यू हैड टू कंट्रीब्यूट मोर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, चाहे कॉर्पोरेट के लिए, चाहे फैमिली के लिए, यू हैड टू कंट्रीब्यूट मोर। उसको आप मेजरमेंट नहीं करोगे, मैं तुम्हें इतना दिया तुम्हें बराबर दो, वो नहीं, कंट्रीब्यूशन में यही रहता है, कंट्रीब्यूशन में मेजरमेंट नहीं है। तो यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुञ्जते ते तुगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल पचन्ति आत्म कारण, जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वो क्या कर रहे हैं, भुञ्जते ते तुगम पापा, वो अघ और पाप को ही खाते हैं, पाप को ही खाते हैं। जो अगर आपने कहा मैंने अपने लिए ही किया कुछ और वो हमें मिल जाए तो आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, आप अपने लिए पका रहे हो तो इसका मतलब है तुम पाप खा रहे हो, इसका मतलब है यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी, देन इन रिटर्न यू विल गेट समथिंग। आप अगर बिजनेस भी करो दैट यू आर सर्विस यू आर गिविंग टू द सोसाइटी, इन रिटर्न यू आर गेटिंग समथिंग, उसको प्रॉफिट जो प्रसाद की तरह ले लेते हो, है ना? तो हर चीज़ में वो प्रसाद अपने से मिला दे। हाँ, यह आप जो यज्ञ संपन्न करके लेते जो प्रसाद शेष, यज्ञ संपन्न करके लेते जो प्रसाद शेष, सर्वदोष मुक्त संत बनते हैं वही विशेष। यज्ञ संपन्न करके लेते जो प्रसाद शेष, सर्वदोष मुक्त संत बनते हैं वही विशेष। परंतु इंद्रिय सुख के हेतु करें जो कार्य, परंतु इंद्रिय सुख के, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जो केवल कार्य करते हैं, परंतु इंद्रिय सुख के हेतु करे जो कार्य, घोर पाप भोगते वह स्वयं धरे पाप वेश। यज्ञ संपन्न करके लेते जो प्रसाद शेष, सर्वदोष मुक्त संत बनते हैं वही विशेष। परंतु इंद्रिय सुख के हेतु करे जो कार्य, घोर पाप भोगते वह स्वयं धरे पाप वेश। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं नित्यं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसमें दिया है अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, इसको बड़े सिंपल वे में समझाया है ये एग्जाम्पल देके कि जितने प्राणी हैं सब की सब पे किस पर डिपेंड है, संभव किससे है, अन्न से। अन्नाद अन्नाद भवन्ति भूतानि, जितने प्राणी हैं सब अन्न से ही है, अन्न नहीं होगा खाने को नहीं मिलेगा तो कोई प्राणी होगा ही नहीं, चाहे चीटियाँ कोई आते वो भी वहाँ तो आटा डालते हो कुछ भी, हाँ समझे? तो अन्नाद भवन्ति भूत पर्जन्याद अन्न संभवा। और कहते हैं कि मेघों से जब परजान जो बादल हैं बरसते हैं उससे अन्न पैदा होता है। यज्ञात भवति परजन्यो, और कहते यज्ञ की भावना से मतलब सबका कंट्रीब्यूशन से बादल बनते हैं, सब जगह से वो पानी सोखते हैं ऊपर जाते हैं और बादल बनते हैं। यज्ञात भवति परजन्यो, जो बादल बनते हैं वो यज्ञ से ही बनते हैं। और यज्ञ कर्म समुद्भवा, और जो यज्ञ है हाँ वो हाँ कहते यज्ञ कर रहे हाँ यज्ञ करो तो बारिश होगी। तो यज्ञात भवति, इसका मतलब यही है कि हमारे सबके कंट्रीब्यूशन से बादल बनते हैं,
समुद्र से भी लेता है, नदी से भी लेता है, नाले से भी लेता है, जगह से भी पानी लेता है, तभी तो बादल बनते हैं, अग्राही पानी है ना सब। इसका मतलब सबका कंट्रीब्यूशन है, यज्ञ मीन्स कंट्रीब्यूशन। हाँ, उससे बादल बनते हैं। और यज्ञ कर्म सब समुद्भवा, यज्ञ जो है कर्म से ही संभव है। तो अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म जो है वो ब्रह्म से उद्भव हुए जानो, क्योंकि ये बेसिक चीज है ब्रह्म से, जो कॉस्मोस से आपके दूसरे की देने की भावना आ जाए। जो मैंने बताया स्पिरिचुअल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा तुम देने को इंजॉय करोगे। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि कॉस्मोस से आता है, कॉस्मोस से उद्भव है, ये ब्रह्म से उद्भव है। जो कॉस्मोस एनर्जी है वहाँ से उस उद्भव है कर्म। और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और जो ब्रह्मा है अक्षर समुद्भवम, अक्षर नाशवान है, और अक्षर आप ओम को भी कह सकते हो, समझे। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए ब्रह्म जो है हर यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म मतलब कॉस्मोस जो है वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कॉस्मोस का जो ब्रह्म, कॉस्मोस एनर्जी लेते हो, ब्रह्म की एनर्जी लेते हो, उससे आप बने हैं। तो हाँ, वो सभी सभी जगह सभी वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो यज्ञ का महत्व यह है कि ब्रह्म यज्ञ का है। ब्रह्मांड उससे बना है? ब्रह्मांड, हाँ, ब्रह्मांड ब्रह्म से बना है। तो कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, ब्रह्म का अंड, पूरा ब्रह्म को जो है सम्मिलित करके ब्रह्मांड। सब प्राणी अन्न से, अन्न बादल बरसने से, बादल यज्ञ से, यज्ञ जनहित कर्म करने से। सब प्राणी अन्न से, अन्न बादल बरसने से, बादल यज्ञ से, यज्ञ जनहित कर्म करने से। कर्म ज्ञान से हो ब्रह्म, कर्म ज्ञान से हो ज्ञान ब्रह्म अक्षर से संभव। अगर आप में ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने ज्ञान लगा के तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। कर्म ज्ञान से हो ज्ञान ब्रह्म अक्षर से संभव। अक्षर जब तक आप अल्फाबेट पढ़ोगे, अक्षर उसको ही मान सकते हो, ओंकार से आप शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे। कर्म ज्ञान से हो ज्ञान ब्रह्म अक्षर से संभव, सर्वव्याप्त ब्रह्म नित्य यज्ञ स्थित रहने से। तो ये आप देखो कि कर्म आपका जो बनता है वो आपके ज्ञान से बनता है, ज्ञान और भावना। हाँ, ज्ञान और भावना, तो भाव तो देव भाव, तो देव 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 भावना से तो देव को आप पूछते हो प्रकृतिया। और आप जो कर्म आपका बनते हैं आपके ज्ञान से, आपके प्रॉपर कर्म बनते हैं आप भी, क्योंकि शुरू में जब 18 चैप्टर में जो बात आई थी कि कर्म जो है ज्ञान से निकलता है हमेशा, तो कर्म और ज्ञान जो है वो ब्रह्म अक्षर से संभव। ब्रह्म का जो अक्षर है, जितने भी बिना आप अल्फाबेट सबसे पहले पढ़ाते हैं हमें, ओंकार सबसे पहले लिखवाते हैं, है ना। तो आप जब तक आप अल्फाबेट्स नहीं जानोगे आप ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे। और सर्वव्याप्त ब्रह्म सभी जगह इस तरीके से ब्रह्म व्याप्त है, और वो सबसे ज़्यादा यज्ञ में स्थित है, क्योंकि यज्ञ ज्ञान से ही करते, कर्म से ही करते हो। कर्म इसका मतलब है आपकी कर्म की इम्पोर्टेंस हो गई यज्ञ के साथ में। ये शरीर तभी चलता है जब हम पूरे समष्टि के साथ जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के सहयोग से ही संसार चक्र चलता है। यदि हमसे पहले लोगों ने कुछ न किया होता तो संसार आज इतना विकसित नहीं होता। देयर इज ए इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द रोड ऑन विच वी आर मूविंग दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाई द पर्सन्स अदर देन मी, इट मीन्स वी आर ऑल आर interdependent. So it means it is my duty that we should offer something.
हम भी कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें। यदि हम अपना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम दूसरे के की दी हुई चीजों का उपभोग कर रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम खुद कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये उचित नहीं होगा। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी पर्सनल डिजायर। हमारे अपने स्वार्थ से केवल स्वार्थ में लगे रहेंगे तो कोई भी विकास संभव नहीं है। इट मीन देयर इज नो प्लेस फॉर एनी पर्सनल डिजायर। वी शुड हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस सोसाइटी एज ए होल इफ यू वॉन्ट टू डेवलप दिस वर्ल्ड। और इसके लिए क्या आवश्यक है कि दैट हम इसे बिना किसी अभिमान के इसमें कंट्रीब्यूट करें। वी शुड बी एगोलेस वाइल कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस सोसाइटी। अगर देखें जब हम हवन करते हैं तो उसे हर मंत्र के बाद बोलते हैं इदं न मम, यानी इसमें मेरा कुछ नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी पाते हैं वो इस प्रकृति से ही पाते हैं, इस संसार से ही पाते हैं, और उसमें अपने द्वारा कंट्रीब्यूट करके थोड़ा और दे दें ये हमारा कर्तव्य बनता है। अतः यज्ञ की से ही संसार का विकास संभव है, और यज्ञ केवल हवन नहीं बल्कि सोसाइटी एज ए होल के लिए जो कुछ भी हम दे रहे हैं, जो कुछ भी हम अर्पण कर रहे हैं, वो सभी कुछ यज्ञ है। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमारा उत्साह बना रहे।